वार्ड नंबर 22 गढ़ा के वार्ड नंबर 22 के जो काउंसलर हैं प्रभ दयाल भगत जी उन्होंने सानू गलबात करने का अच्छा मौका मिलया है। मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करती हाँ कि उन्होंने सानू गलबात करने का मौका दिता है। सर मैं थोड़े नाल कोरोना के बारे गल कर रही हूँ कि यह जो कोरोना दिन प्रतिदिन चरम सीमा से पहुँच रहा है, इधर भी साढ़े जलंधर गढ़ा के भी बड़े केस आ रहे हैं, इन्हों के नवे इन्ने ज़्यादा केस आने का कारण की? पहली गल तो मैं पंजाब फोकस का बहुत धन्यवाद करना, पंजाब फोकस की टीम जी है उन्होंने आन के मेरे को आए और मैं मौका दिता कि मैं बाकी अपने जिन्हें भी मेरे लोग ने जिन्हें मेरे भैन भरा ने उन्होंने मतलब सामने जी तुम सवाल किया है कोरोना का। कोरोना जोड़ा है वो एक ऐसा महामारी है जिन्हें कि पूरे आल वर्ल्ड में जो अपना छाप छोड़ी हुई है। गढ़ा साढ़ा जोड़ा बड़ा प्रोपर चल रहा, बड़ा वधिया चल रहा है। एक लेडी जेडे इतों के है वो इतने जॉब कर रहे थे आर टी ओ दफ्तर, तो आर टी ओ साहब जो कोरोना होया जो उन्होंने मतलब सेवादार से उन्होंने काफ़ी उन्होंने आ जा पानी देना रोटी देना इदा कोई उन्होंने सीधा वो चक्कर उन्होंने पॉजिटिव आए, तो जो उन्होंने उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने परिवार के भी जो सात मैंबर वो भी पॉजिटिव आए। सिर्फ एक ही परिवार के मैंबर है ना कि कोई होर नहीं, पर फिर भी वो जी सील है वो एक गली अगू बंद है जितने रह रहे हैं कल 10-12 घर ने सील की गई है और उन्होंने कल जो 70 जो 70 साढ़े केस जोड़े हैं उन्होंने टेस्ट कर लिया है, तो मेरे ख्याल में कल रिपोर्ट आ जाएगी और मोस्ट प्रोबली जो मैं समझना जो नैगेटिव आएगी क्योंकि जो लेडीज है जो लैके गए थे वो भी घर आ गए। जिस दिन पता लगा भी कोरोना आ रहे हैं जो बहरले देशों को भी पता लगन लग पाया लॉकडाउन कर लिया है, असं उस दिन तो जी सैनिटाइजर वगैरह वाला उस बाद फोगिंग वगैरह जी है वो अभी रेगुलर कर रहे हैं और इस हर तरह से मैं अपनी टीम के नाल मेरी टीम और मैं तकरीबन आप लोगों में जाकर अवेयरनैस भी पैदा कर रहे हैं कि तुम घर से बाहर ना आओ, ये दूजे जो बिगड़े लोग ने कुछ देखो पढ़े लिखे भी समझदार लोग भी ने, कुछ लोग मैं कह सकता कुछ लोग जो थोड़ा बहुत अनुभव करते होंगे नहीं तो जे तकरीबन लोगों ने सहयोग बहुत वधिया दिता, इसलिए तकरीबन गढ़े साडा गढ़े च नहीं बाकी सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव सी। तो लगता है कि 100% लोग गढ़ा दे तुहाडे नाल नहीं तुहाडा साथ नहीं दे रहे या गवर्नमेंट वालों दित्तियां जिहड़ियां इंस्ट्रक्शंस है उहनूं फॉलो नहीं कर रहे? नहीं इस तरह की गल नहीं है, तकरीबन सारे गढ़े के लोग जी मैं तुहानूं कह रहा ना कि गढ़ा इन्नी देर अज देखो ये मार्च का शुरू होया तो अज जाके एक पॉजिटिव आया वो भी उधर जाने के कारण जबकि गढ़े भी अपने केस को नहीं आ पाया वो बाहरों आया जो तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो गड़े लोग सुचे तो उन्होंने रह रहे ही बिता रहे देखो जिदा कैंप लगाया तो दूसरे सारे जो उन्होंने बना रखा है जॉब बना रखे ठीक है, पर साडा इदा का नहीं रहा जो आया भी तो तकरीबन वो भी होंगे समझदार लोग ने दुकानदार समझदार ने साढ़े चार दिन हो गए साड़ी जी मार्केट उधर ली कोई बंद पी दुकानदार ने आता बंद कर लोग सहयोग दे रहे हैं राशन की गल जी है तकरीबन देखो लोगों ने फोटो पहुंचाने की कोशिश की लोगों ने जिन्हें भी आगे लोगों ने कहा राशन मंग रहे हैं फोटो लीजिए फोटो पहुंचाने के चक्कर से कि फोटो शूट के नाल ना जो कोरोना की कोशिश की गलत मत आई, लेकिन साड़े कड़े भी इदा ना मैं की ना मैं कहीं फोटो नहीं है अभी राशन मंडिया भी जो जरूरतमंद से उन्होंने परसनल तौर पर पता है असं बुला के भी उन्होंने जो भी घर भी उन्होंने बुला के भी उन्होंने राशन दिता वा इकट्ठी भीड़ भाग के लिए सारिया दुकाना खुलिया हैं इस तुसी कुछ कहना चाहते हो कि लोग हम होर प्रकॉशन रखन क्योंकि हम दुनिया हो ज्यादा बाहर आ रही है सारे लोग घर तो बाहर आ रहे हैं देखो लॉकडाउन लेकिन वो भी लोग जो असं देखो असं मैं उदम वीडियो पाई थी मैं अपने तौर पर कहना और मैं माध्यम तो भी कहना चाहता और पहला भी कह रहे हैं कि जो लोग है लॉकडाउन जोड़ा वह सरकार वालों खोलना लोगों को नहीं खोलना चाहिए अपने आप क्योंकि उन्होंने बहुत जरूरी है ताइ दुकान पर जा दुकानदार भी क्योंकि ये एक छूत छात की बीमारी है अच्छे को मेरे को लगनी तुम्हें नहीं लगनी इसलिए हर बंदा तो अवेयर है दुकानदार खुद चाहता भी तुम मेरे बाहर बैठो तो वो भी कह रहे हैं मैंने समान की लड़ा मैं दे दो इसलिए तकरीबन सारे एजुकेट है इस काम ने तकरीबन इसलिए मेरे ख्याल इंडिया जरा है वो थोड़ा सिस्टम रहा और बाकी जी इम्यूनिटी जी लोग बना रहे हैं वो तो मेरे ख्याल लोगों ने देखो ये शुरू तो इतने आया तो हो सकता लोग प्रकोशन आ रहे हैं पहले इसलिए बहरले लोगों का जो उन्होंने चाइना में देखा बाकी दूजे स्टेटा देशों में देखा
तो लोगों को समझ लगन लग पी भी ये बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि वो डर गई। पर हूँ आगे जो पहला कोरोना घट सी लोगों का डर ज्यादा ही पर हम कोरोना ज्यादा लोगों का डर घट है तो लोग जा रहे हैं ठीक हो वापस आ रहे हैं। दोबारा ये भी सुनिया जा रहा है कि सरकार सोच रही है कि दोबारा लॉकडाउन किया जाए पर जिथे ये भी देखने को मिलता है कि एक संडे का लॉकडाउन रह गया वो भी खत्म हो गया कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? दोबारा क्यों लगाना चाहते हैं? देखो जो कोई बंदा जा रहा है जाते ना देखो कोरोना की बीमारी लोगों को यह पता भी जिन्होंने कोरोना आ गया उसकी डेथ पक्की है लेकिन इस तरह नहीं है ये सिर्फ अपने आप को जिन्हें लोग ही है सारे इंडिया के रिकवरी रेट बहुत अच्छा है लोगों का क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अपन इंडिया की गल कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਮਿਡਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ 11 ਜੀਅ ਨੇ 11 ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈ 11 ਨੂੰ ਰਹਿ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ